जयपुर में एक साथ तीन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। इनमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा झोटवाड़ा आरओबी, बी2 बाईपास अंडरपास और जवाहर सर्किल के सौंदर्यकरण का काम शामिल है। इन तीनों का उद्घाटन झोटवाड़ा आरओबी से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा और सांसद रामचरण बोहरा ने किया है। झोटवाड़ा में आरओबी और बी2 बाईपास अंडरपास शुरू होने से लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। यहां झोटवाड़ा में आरओबी के उद्घाटन से पहले यहां खाटू श्याम जी के पदयात्रियों को जाने का मौका दिया गया। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा, मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले विद्याधर नगर से विधायक हूँ, यहाँ की जनता का मुझ पर एहसान है, इसे चुकाते चुकाते मुझे 5 साल का वक्त भी कम पड़ेगा। आपने सांसद रामचंद्र बोरा को अब तक 2 बार रिकॉर्ड वोट से जिताया है, इस बार हमें अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना है। इससे पहले जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मेट्रो के फेज 1D का शिलान्यास किया गया, जो बांध सरोवर से 200 फीट अजमेर रोड तक होगी। इस दौरान यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, सांसद रामचंद्र बोहरा मौजूद रहे। फेज 1D 1.35 किलोमीटर लंबा होगा, इस पर कुल 204.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, 365 करोड़ की लागत से बने प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हो चुका है, इससे झोटवाड़ा के साथ पूरे जयपुर की जनता को फायदा मिलेगा। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, इसमें जनता की सुनवाई और जनता के काम दोनों समय पर होंगे। कांग्रेस की सरकार ने जनता को महंगाई से परेशान कर दिया था, हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर जनता को महंगाई से बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या नहीं जा पाई हूं, कोशिश करूंगी आप सबके साथ अयोध्या जाऊं। विद्याधर नगर में सैटेलाइट हॉस्पिटल से लेकर आम जनता से जुड़े सभी काम शुरू कर दिए गए हैं। अब तक कांग्रेस की सरकार थी, इससे घोषणा तो काफी की लेकिन कोई काम नहीं किया गया। अब हमारी सरकार सभी विधानसभाओं में 5-5 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण करेगी।